आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। लखनऊ में नगर निगम का बड़ा एक्शन, बड़ी खबर सामने आ रही है लखनऊ से। आचार संहिता लगते ही हटाना शुरू किया बैनर पोस्टर। नगर निगम ने हटाया भाजपा सरकार का पोस्टर, बड़ी खबर सामने आ रही है। तस्वीरें देख सकते हैं आप, आचार संहिता लगते ही तस्वीरें पोस्टर हटाए जा रहे हैं। फर्क साफ है का पोस्टर भी हटाया गया, बड़ी खबर सामने आ रही है। फर्क साफ है का पोस्टर हटाया गया, हजरतगंज चौराहे पर लगा था पोस्टर। लखनऊ में नगर निगम का बड़ा एक्शन देखने को मिला, बड़ी खबर सामने आ रही है लखनऊ से। आचार संहिता लगते ही हटाना शुरू किया गया बैनर पोस्टर। नगर निगम ने हटाया भाजपा सरकार का पोस्टर, तस्वीरें देख सकते हैं आप किस तरह से पोस्टर हटाए जा रहे हैं। प्रचार प्रसार में लगे पोस्टर को नगर निगम ने हटाया। फर्क साफ है का पोस्टर हटाया गया, हजरतगंज चौराहे पर लगा था पोस्टर। लखनऊ में नगर निगम का बड़ा एक्शन देखने को मिला, आचार संहिता लगते ही हटाया गया पोस्टर। आचार संहिता लगते ही हटाना शुरू किए गए पोस्टर बैनर। नगर निगम ने हटाया भाजपा सरकार का पोस्टर, बड़ी खबर सामने आ रही है। प्रचार प्रसार में लगे पोस्टर को नगर निगम ने हटाया, बड़ी खबर सामने आ रही है लखनऊ से। फर्क साफ है का पोस्टर हटाया गया, तस्वीरें देख सकते हैं आप, हजरतगंज चौराहे पर लगा था पोस्टर। तो सभी पोस्टर बैनर हटाने की प्रक्रिया शुरू हो गई है लखनऊ में। नगर निगम ने ये बड़ा काम शुरू कर दिया, आचार संहिता का पालन कराना शुरू कर दिया गया है। आचार संहिता लगते ही पोस्टर बैनर हटाने का काम शुरू, लखनऊ से बड़ी खबर सामने आ रही है। जहां नगर निगम एक्टिव मोड में नजर आ रहा है, भाजपा का पोस्टर भी हटाया गया। प्रचार प्रसार में लगे पोस्टर को नगर निगम ने हटाया। फर्क साफ है का पोस्टर भी हटाया गया। इस खबर पे हमारे साथ ज्यादा बातचीत के लिए संवाददाता विभांशु जुड़ चुके हैं। विभांशु, इतने बड़े बड़े होल्डिंग पोस्टर लगे थे, सबको हटाने का काम शुरू हो गया है, बड़े एक्शन मोड में नजर आ रही है नगर निगम, क्या कहेंगे? जी, आपको बता दें कि चुनाव के घोषणा होते ही जो भी राजनीतिक दल के पोस्टर पूरे लखनऊ शहर में लगाए गए थे, उनको नगर निगम के द्वारा तत्काल प्रभाव से हटाया गया है। आपको बता दें कि 1090 हजरतगंज और जितने भी चौराहों पे राजनीतिक दल के पोस्टर लगाए गए थे, सबको हटा दिया गया है। और अगर डिजिटल पोस्टरों की बात करें तो उनको भी बंद करा दिया गया है। आचार संहिता लगने के साथ ही जो लाल टोपी और लगे जो फर्क साफ है का पोस्टर लगाया था, उसको भी नगर निगम ने हटाया है। और वहीं भाजपा के जो भी कार्यक्रम से रिलेटेड पोस्टर लगाए गए थे, उनको भी हटा दिया गया है। आचार संहिता के बाद राजनीतिक दलों का पोस्टर हटाया गया है। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए। इस खबर पर हमारे साथ संवाददाता विभांशु जुड़े थे। तो सीधे तौर पर चुनावों की तारीख का ऐलान हो चुका है और तुरंत नगर निगम एक्टिव मोड में नजर आ रहा है। लखनऊ में शहीद विवेक सक्सेना के परिजनों का प्रदर्शन, बड़ी खबर सामने आ रही है। पिछले डेढ़ महीने से धरने पर बैठा शहीद का परिवार, 19 साल बीत जाने के बावजूद नहीं मिला न्याय। 8 जनवरी 2003 को मुठभेड़ में शहीद हुए थे विवेक सक्सेना। सरोजनी नगर तहसील क्षेत्र का है पूरा मामला। लखनऊ में शहीद विवेक सक्सेना के परिजनों का प्रदर्शन, बड़ी खबर सामने आ रही। पिछले डेढ़ महीने से धरने पर बैठा शहीद का परिवार, 19 साल बीत जाने के बावजूद नहीं मिला न्याय। 8 जनवरी 2003 को मुठभेड़ में शहीद हुए थे विवेक सक्सेना। सरोजनी नगर तहसील क्षेत्र का मामला। फरीदाबाद से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, अंतरराष्ट्रीय मेला स्थगित किया गया, कोरोना के मद्देनजर लिया गया फैसला, हरियाणा पर्यटन निगम और सरकार ने लिया फैसला। फरीदाबाद से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, अंतरराष्ट्रीय मेला स्थगित किया गया, बड़ी खबर सामने आ रही है। कोरोना के चलते लिया गया ये बड़ा फैसला, हरियाणा पर्यटन निगम और सरकार ने लिया फैसला, बड़ी खबर सामने आ रही है। फरीदाबाद से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जब कोरोना के चलते एक बड़ा फैसला लिया गया है, अंतरराष्ट्रीय मेला स्थगित किया गया। उन्नाव में युवक की हत्या से फैली सनसनी, बड़ी खबर सामने आ रही है उन्नाव से, जहां गेहूं के खेत में मिला युवक का शव।
मौके पर पहुंची पुलिस जांच में जुटी। बड़ी खबर सामने आ रही है उन्नाव से, जहां परिजनों ने जताई हत्या की आशंका। फतेहपुर चौरासी थाना क्षेत्र का मामला बताया जा रहा। उन्नाव में युवक की हत्या से फैली सनसनी। उन्नाव से बड़ी खबर सामने आ रही है, गेहूं के खेत में मिला युवक का शव। शव मिलने से परिवार में हड़कंप। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। जांच में जुटी पुलिस, परिजनों ने जताई हत्या की आशंका। फतेहपुर चौरासी थाना क्षेत्र का मामला। लखनऊ में युवक ने की आत्महत्या की कोशिश। गोमती नदी में कूदकर की आत्महत्या की कोशिश। मौके पर मौजूद लोगों ने युवक को बचाया। थाना गोमती नगर 1090 चौराहे का मामला। लखनऊ में युवक ने की आत्महत्या की कोशिश। बड़ी खबर सामने आ रही है, गोमती नदी में कूदकर की आत्महत्या की कोशिश। मौके पर मौजूद लोगों ने युवक को बचाया। बड़ी खबर सामने आ रही है, थाना गोमती नगर 1090 चौराहे का मामला। अंबेडकर नगर में देखा रफ्तार का कहर। बड़ी खबर सामने आ रही है अंबेडकर नगर से, सड़क हादसे में लेखपाल की हुई मौत, एक घायल। मारुति कार की चपेट में आने से हुई मौत। बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है। आलापुर तहसील में कार्यरत थे लेखपाल अमित यादव। अंबेडकर नगर में दिखा रफ्तार का कहर। बड़ी खबर सामने आ रही है अंबेडकर नगर से, सड़क हादसे में लेखपाल की हुई मौत, एक घायल। मारुति कार की चपेट में आने से हुई मौत। आलापुर तहसील में कार्यरत थे लेखपाल अमित यादव। बलिया में युवक का शव मिलने से फैली सनसनी। बड़ी खबर सामने आ रही है बलिया से, गंगा के किनारे मिला किशोर का शव। किसानों ने पुलिस को दी सूचना। बड़ी खबर सामने आ रही है बलिया से, मौके पर पहुंची पुलिस जांच में जुटी। नरही थाने के सोहाव गांव का मामला। बलिया में युवक का शव मिलने से फैली सनसनी। बड़ी खबर सामने आ रही है बलिया से, गंगा के किनारे मिला किशोर का शव। बस्ती में प्रशासन की खुली पोल। बड़ी खबर सामने आ रही है बस्ती से, सहकारी समिति पर उमड़ी किसानों की भीड़। खाद की सूचना मिलने पर समिति में लगी भीड़। बारिश और ठंड में समिति के बाहर लगी लंबी कतार। बड़ी खबर सामने आ रही है, तस्वीरें देख सकते हैं आप, कितनी भीड़ देखने को मिल रही है। पुलिस फोर्स के पहुंचने पर बांटी गई खाद। दुबौलिया ब्लॉक के साधन सहकारी समिति का मामला बताया जा रहा है। बस्ती में प्रशासन की खुली पोल। बड़ी खबर सामने आ रही है, सहकारी समिति पर उमड़ी किसानों की भीड़। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।